हेलो एंड वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूँ, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। स्वागत है आपका एक और एपिसोड के रिव्यू में। बेसिकली दोस्तों घर के अंदर चल क्या रहा है, राखी सावंत कप्तान बनी। राखी सावंत ने कप्तान बनने के बाद जिस ग्रुप के साथ वो रहती थी उस ग्रुप को उन्होंने बेसिकली धोखा दे दिया, यानी एजाज खान को भी नहीं, सोनाली जी को भी नहीं दी इम्यूनिटी दे दी अभिनव को। अब अभिनव को इम्यूनिटी दी, अभिनव उसको उतना का उतना टाइम भी दे रहा है, अभिनव उतना को उतना उनको सुन भी रहा है, समझा भी रहा है। ये बात और है कि अभिनव भी बीबी मॉल में से चुपचाप से कॉफ़ी चोरी कर करके गया, मगर वो उनका दोस्त है। ये बात और है कि रुबीना जी ने भी उनको समझाया था कि भाई आप फटाफट से कॉफ़ीज अपनी तरफ कर लो। ये बात और है कि रुबीना जी ने उसको समझाया कि अर्शी के कपड़े अगर आप अंदर कर लोगी तो आप बच जाओगी। ये बात और है कि रुबीना जी ने पल पल पर राखी को समझाने की कोशिश की कि क्या चीज़ कैसे करनी है। ये बात और है कि अभिनव ने यह समझाया कि एजाज खान आपको अगर ऑर्डर दे रहा है या घर के कोई भी लोग आकर के आपको काम के पूरा होने ना होने के बारे में कह रहे हैं तो क्यों ना आप उन्हीं के ऊपर काम डाल दें। यानी यहाँ के लोगों ने पहले पीछे से राखी को खींचा और छोड़ा इन लोगों के ऊपर। अब आते हैं इन लोगों पर। एजाज खान ने बेसिकली दोस्तों ये एपिसोड के थ्रू हमें समझ में आया कि एजाज खान ने सबसे पहले राखी जी को सुबह सुबह आकर के कहा होगा, राखी जी राशन आया है, संडे है, सामान आया है, आप आइए आकर के हेल्प कर दीजिए और लोगों को बोलिए आकर के चीज़ें जमाने में मदद कर दें। अब चूंकि दो गुट हैं, इसमें से सिर्फ अली है जो दोनों गुट की तरफ जा सकता है, बाकी के सारे लोग दो ग्रुप में डिवाइडेड हैं। या फिर निक्की को कह दो कि निक्की कहीं भी जा सकती है क्योंकि निक्की का तो अपना कुछ पर्सनल वो है ही नहीं। अली इसलिए जा सकता है क्योंकि अली ने बहुत एक इमोशनल बात बोली कि राखी जी ने रुबीना जी ने राइट टाइम पर आकर के मेरी मदद की, इस वजह से मैं थोड़ा सा हील हुआ और अब वो जैसे ही मुझे शांत कर रही है तो मुझे अच्छा भी लग रहा है और वो उसका एक रिस्पेक्ट और रिगार्ड को मेंटेन करते हुए अब क्लियरली वो रुबीना जी के पास जाके बात कर सकता है। यानी उसके पास में एक लाइन है, गली है और सिंपली ये सच भी है तो भी और ये झूठ है तो भी अली के पास फुल फ्लैश रास्ता है कि वो रुबीना जी के पास जा सकता है। ये बात उसने अली और ये बात उसने अर्शी खान और एजाज खान के सामने बोल दी, बराबर है, तो वो जा सकता है इन लोगों के पास में। तो अली ने अपना यहाँ पर चाहे दिमाग लगाया हो चाहे वो इमोशनली सपोर्ट मिला हो मगर वो खुला है। अब यहाँ के लोग, आपने देख लिया राहुल और रुबीना का तो आज झगड़ा हो ही गया, अर्शी खान और रुबीना का होता रहता है, एजाज और रुबीना का होता रहता है, अभिनव और एजाज का भी आपने झगड़ा देख लिया होगा कि इन दोनों का झगड़ा भी हमारे सामने हुआ आज, राइट, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलने लग गए और यहाँ पर एजाज गलत ना होते हुए भी अभिनव उसके ऊपर बातें बोलने लगे क्योंकि अभिनव को लग गया है कि अगर खेल खेलना है तो खुलकर बोलना पड़ेगा, तो वो भैया बोलता है। जबकि राखी जी के साथ में फ्लर्ट में सपोर्ट भी कर रहा है, वैसे देखा जाए तो ये बात गलत होती है। राखी जी ने कहा बार ये वाला एंगल बहुत अच्छा लगता है, अपन इस वाले एंगल को करते हैं, मतलब काइंड ऑफ उनके वर्ड्स थोड़े से इधर उधर थे कि अपना वाला एंगल है, अपना वाला एंगल क्रिएट करते हैं, काइंड ऑफ जो भी उन्होंने वर्ड्स बोले थे, क्योंकि ये सेम चीज़ें राखी जी ने मुझको भी कही थी। उन्होंने कहा था लव एंगल अच्छा लगना चाहिए, राइट, लव एंगल अच्छा लगना चाहिए, आप मेरे बॉयफ्रेंड हो, ऐसे वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए थे। ये सेम चीज़ वो बार बार आकर के मुझको और निकी तंबोली को भी कहा करती थी कि आप दोनों एक लव एंगल बना लो, अगर आप बनाओगे तो बहुत अच्छा दिखेगा, बाहर ये बहुत दिखता है, बाहर ये बहुत चलता है, कोई गलत बात नहीं है, निकी वो अपने काम के ऊपर है और अपना काम कर रही है। हम लोग सुनकर के हंसा करते थे और मैं कहता था ऐसे क्रिएटेड चीज़ें नहीं होती हैं और अभी भी आप जो बोल रहे हो वो कैमरा पर तो जा ही सकता है ना। तो अभी राखी सावंत जी इस वाले ट्रैक पर हैं, कोई गलत बात नहीं है, अगर वो उनका ट्रैक है, उनको करना है, उनको करने दीजिए। वहीं पर उनसे इंस्पायर होकर के या फिर अपनी मर्जी से सोनाली जी भी मोहब्बत में है। दोस्तों यहाँ तो घर के अंदर आबोहवा ऐसी चल रही है कि लोगों को मोहब्बत हो जाती है फटाफट, और एजाज खान उसको कह रहे हैं आप अपनी फीलिंग्स को बाहर लाइए, एक्सप्रेस कीजिए, खुला दिल से बोलिए जो बोलना है। तो मतलब यहाँ पर उनको इस चीज़ को करने के लिए मना भी नहीं किया जा रहा, वो शर्मा रही हैं, वो घबरा रही हैं, वो आँखों में आँखें डाल के नहीं देख पा रही हैं, भाई इतने लॉयल ईमानदार लोग कैसे मिल सकते हैं एक रियलिटी शो के अंदर, आप ही देखिए। मतलब मुझे अभी तक यानी मेरे साथ साथ पूरे हिंदुस्तान को ये समझ में नहीं आ रहा था क्यों है सोनाली फोगाट जी क्यों है घर के अंदर, जैसे अर्नब जी करते हैं वैसे है क्यों वो घर के अंदर, लेकिन अब पता चल गया वो क्यों है। देखिए दोस्तों के हिंट मिलते ही कि करना क्या है, अब वो शुरू हो चुकी हैं करना। एक और हिंट उन्होंने ऑटोमेटिकली ले ली होगी जो सलमान सर ने उनको दी भी नहीं। सलमान सर ने कहा अली की शरण में जाओ, अली से सीखो, अली आपको सही समझाएंगे। वीकेंड का वार पे सलमान खान आके कहने भी वाले हैं उसको। तो भैया उन्होंने ये समझ लिया कि आंखों आंखों में दिल अब तेरा हो गया, और आंखों आंखों में दिल हो गया, राहुल वैद्या ने गाना गा दिया, सारे घर वाले ने मिलकर प्रपोज कर दिया, और वहीं पर राखी की उम्र के बारे में बोल दिया, राखी ने वहां पर आराम से ले लिया, बाहर जाकर के राखी पसर गई। अब चूंकि एजाज खान हर सामान के लिए कहते हैं, उन्होंने हर सामान के लिए कह दिया जाकर के बार ये बात रुबीना, हमने देखा कि जिस तरह उन दोनों के बीच में राखी सावंत और एजाज के बीच में झगड़ा होने लग गया। अब झगड़ा होने लग गया तो उनको समझाया गया उनके लोगों द्वारा कि भैया आप खुल के कह दो उनको, मन में मत रखो, अगर आप ऐसे करोगे तो फिर लोगों के सामने फिर एक बार रुबीना दिलैक जी ने ये बात बोली कि अगर
बार बार वो अपने आप को विक्टिम कार्ड प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि आप उनके पीछे पड़ रही हैं, तो इस तरीके से बाहर ये दिखने लगेगा कि राखी जी आप उनको हकीकत में तंग कर रही हैं। अगर आप उनको तंग कर रही हैं तो फिर आपकी इमेज बार खराब बन जाएगी। फिर एक बार वो की वो बात इमेज खराब बन जाएगी, फिर ये कि एक्चुअली इजाज क्या करना चाह रहा है ये बात वो उनको बता रही है। क्योंकि आज के एपिसोड के अंदर दोस्तों कोई भी सही नहीं था, एक भी आदमी का पॉजिटिव प्ले मुझे नहीं दिखा, इसलिए मैं एक एक करके आपको सबका बता रहा हूं। तो इजाज ने उनको ये वाली बात बोली, वहां तक इजाज ठीक था क्योंकि सुबह हुई थी, इजाज ने बोल दी अपनी बात। अब इस पर राखी जी को जैसे ही पता चला कि अच्छा मुझे जो काम कहने के लिए आ रहा है मुझे काम तो उसी को बोल देना है, तो फिर राखी जी शुरू हो गई, इजाज के पास गई, इजाज को जाकर कहती है आप टिश्यू पेपर्स उठाइए और आप अपने साथ दो लोगों को लीजिए, मैं आपको काम देना चाहती हूँ, काम देना चाहती हूँ, काम देना चाहती हूँ करके वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। चिल्लाई तो इजाज ने, इजाज को बहुत आदत है ऐसे पपोल के ठंडा करने के, लोगों को पपोल के उस ठंडा करके बोला चलो निकलो निकलो, वो उस समय फिर चली गई। अब उसके बाद में अर्थव्यवस्था बिगड़ती हुई क्योंकि घर के कई लोगों को पसंद नहीं आ रही राखी सावंत। अब आया अली का झगड़ा, अली का हुआ तो राहुल वैद्या का ऑटोमेटिकली हो गया। अली ने आकर के कहा कि आपने बद्दुआ दी थी और हम लोगों को ये कहा कि ये मतलब कैमरामैन को ये कहा कि ये चीज वाला इनका पार्ट क्यों नहीं दिखाते हो, इनकी गंदगी पब्लिक को क्यों नहीं दिखाते हो, जिस तरह उल्टे उल्टे काम करती हैं, बेकार चीज़ें करती हैं। अब वो बेकार चीज़ों के बारे में क्यों गया दोस्तों, क्यों कहा गया, मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली राखी जी बहुत कुछ करती हैं, बहुत गंदा गंदा करती हैं, हद से ज़्यादा गंदा करती है, लेकिन बाहर दिखाया नहीं जा रहा है। अब दिखाया नहीं जा रहा है इस वजह से दिख नहीं रहा है, और दिख नहीं रहा है इस वजह से राखी सावंत कुछ भी कर रही है। तो राखी सावंत का सिर्फ कॉमेडी वाला पार्ट दिखाया जा रहा है, बेसिकली कॉमेडी पार्ट के अंदर वो जितनी गंदगी कर रही है वो दिख नहीं रही है। अब अली ने कहा बद्दुआ दे दी, बद्दुआ मुझे लग गई, उसने बोला भाई मैंने कह दिया था तोता मैंने वाली बात, मुझे माफ़ कर, सॉरी, उसके लिए मुझसे गलती हो गई। इजाज ने भी उसको आके समझाया आप किसी को बद्दुआ कैसे दे सकती हैं। तो यहाँ पर इजाज की ये गलती ये आती है सामने कि भाई अली ने पहले बद्दुआ वाली बात की, फिर आपने बद्दुआ की बात की, फिर राहुल वैद्या ने कहा बद्दुआ बोल दिया तो आप भी जाकर के सॉरी मांग लो। मैं एक बात जानना चाहता हूँ आप लोगों से, मैं भी भगवान में विश्वास करता हूँ, मैं भी खुदा में विश्वास करता हूँ, मैं सारे देवी देवताओं में विश्वास करता हूँ, हर धर्म के अंदर विश्वास करता हूँ, मगर लोग आपके अंदर भी विश्वास करते हैं, आप सारे लोग सेलिब्रिटीज हैं, दुआ बद्दुआ की बातें बोल करके आप क्या बताना चाह रहे हैं पब्लिक को? लोग आपसे सीखते हैं, आपसे समझते हैं, आपसे जानना चाहते हैं, और आप कह रहे हैं कि एक दुआ उसने बद्दुआ दे दी और वो बद्दुआ काम कर गई कि उस बद्दुआ की वजह से सब कुछ खराब हो गया। उसके बाद में हम लोगों ने दोस्तों ये देखा कट्टू इनका बहुत कंटिन्यू झगड़ा चल ही रहा था, निक्की कहीं कहीं पे बीच में कूदती, फालतू में कूदती, क्यों कूदती, काय को कूदती, उसको पता ही नहीं काय को कूदती पर कूदती, ठीक है। अर्शी खान ने उसके बाद के अंदर भैया किचन वाले एरिया के अंदर एक बार इजाज से झगड़ा कर लिया, जिसके अंदर इजाज ने उसको गुस्से में आकर के गाली बोल दी। तो फिर इसके अंदर ये वाला बात आ गई कि अभिनव आया उसको आकर के बोलते हैं अगर हम लोगों में से कोई गाली देता है तो वो गलत लग, मतलब हम लोगों में ऐसा वैसा होता है दोस्ती में तो हम तो कर लेते हैं, पर उसने तुमको गाली दे दी क्लियरली कितनी गलत बात है। भाई अभिनव आप पहले नहीं खेल रहे थे, अब आप खेल रहे हो तो आप इतना खेल रहे हो कि आप सामने वालों को भी सलाह दे रहे हो, उनके ग्रुप्स में भी जा रहे हो, आप अपने प्रपोजल में भी उसके आ रहे हो, राखी के साथ में टाइम पास के लिए बातें भी कर रहे हो, फिर आपकी वाइफ भी कह रही है बातें करने में क्या है, प्यार तो बांटने से बढ़ता है, वहीं पर अगर कोई और करता है तो वो गलत हो जाता है, सोनाली जी कर रही हैं तो सोनाली जी इनको देख करके कर रही हैं, लेकिन अगर राखी कर रही हैं तो राखी का अपना सच्चा अडॉप्ट किया हुआ खुद का प्लान है जिसके ऊपर वो चल रही हैं। राखी जी तो 15 रियलिटी शो कर चुकी हैं। तो यहाँ पर अर्शी ने अपनी फ्रेंडशिप की लॉयलिटी रखते हुए जाकर के इजाज को वापस बात बोल दी, इजाज ने कहा फोकस ही मत करो, ध्यान मत दो। फिर इजाज ने एक झाड़ू की बात बोली, तो इजाज ने भी झाड़ू वाली बात पे ये बोली छेद हो जाता है, राखी ने बहुत अच्छी कॉमेडी करते हुए बोला इनका नाम छेदी राम हो जाना चाहिए। राखी को इरिटेट भी करने की सब लोग मिलकर के कोशिश कर रहे हैं, झाड़ू मांगा फिर झाड़ू आ गया तो झाड़ू लगाने लगे, उसके बाद में टिश्यू वाला मैटर हो गया, झाड़ू वाला हो गया, फिर ये लोग सारे के सारे कैप्टन रूम के अंदर घुस गए, उधर से चीज़ें अनशन चोरी करने लग गए। एक बार बस पता चल गया कि अली नाराज है तो अर्शी भी उस बोट में बैठ ली, राहुल वैद्या भी उस बोट में बैठ लिया, निक्की तंबोली भी उस बोट में बैठ ली, इजाज भाई भी बैठ लिया, और ये सब लोग मिलकर के अब करने लग गए साहब राखी सावंत को तंग। अब लास्ट में हमने एक झगड़ा देखा जहाँ पर के वो कहने लगे हिस्ट्री की सबसे गंदी कैप्टन है, राहुल वैद्या बोलने लग गया, तो रुबीना जी ने आकर के ये कहा भाई अगर ये आज हिस्ट्री की सबसे गंदी कैप्टन हो गई तो कल तक क्यों नहीं थी, कल तक तो तुम इसके साथ में 3.5 फेरे खा रहे थे, मस्ती मजाक कर रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे। तो वो बोलता है आपकी कठपुतली है। एक्चुअली रुबीना जी ने ये कहा कि एक दोस्त को इतना दूर तक लेकर जाते हो, दोस्त मानते हो, फिर इमीडिएटली वो गलत करता है उसके इतने गले पड़ जाते हो, जैसे कि इजाज के गले पड़े घर वाले लोग कि आप ही ने निक्की तंबोली को चढ़ाया, आप ही ने राखी को चढ़ाया और आज आप लोगों की आपके साथ ये बदतमीजियां कर रही हैं। इजाज ने वो बात मान भी ली कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, जबकि इजाज को ये गलती मानने की जरूरत ही नहीं है। अरे भाई सब लोगों ने किया है, क्या अली उससे आज तक भी फेवर लेना नहीं चाह रहा है, देना नहीं चाह रहा? अली भी आज तक अलायंस बनाना चाह रहा है निक्की के साथ में, भी लास्ट वाले टास्क के अंदर भी उसने बनाने की कोशिश की, अपनी कसम खा के बोला कि मेरे से गलती से हो गया, मैं चाहता था उसको सेव करना, तो वो भी चाह रहा है। चाह सब लोग रहे हो,
बट जिसका उल्टा पड़ जाता है, जो सीधे हैं, जो कम बोलते हैं, उनके अपन गले पड़ जाते हैं। सो बेसिकली अभी यहां पर कोई किसी का नहीं रे बंधु, सब लोग एक दूसरे के चक्कर में, कंटेंट मिल जाए, हम लोग दिख जाए, हम लोग कुछ तो करते रहे, करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कल सोनाली जी ने सामान फेंक दिया था, आज अर्शी आज हमारी निकितम बोली, फिर बीच में बोली सोनाली जी की और फिर उनसे लड़ने लग गई थी। तो बेसिकली सोनाली जी को मोहब्बत हो रही है, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, आंखों में आंखें नहीं डाल पा रही हैं, राहुल वैद्य उनसे उनकी कहानी जानना चाह रहा है, लास्ट प्यार कब हुआ था। तो घर का जो सीन चल रहा है, सिनारियो चल रहा है कि राखी सावंत नाराज हो जाती है, मेरी एज पे बोल रहा है, मेरा करियर है, मुझे बाहर जाकर के दिखना है, मुझे कुछ करना है। फिर वो रुबीना जी पूछती है क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। रुबीना जी और राहुल वैद्या में कई सिमिलैरिटीज हैं, और एक्चुअली इन दोनों की इतनी सिमिलैरिटीज हैं कि वो वहां से बात को सुनना चाहता है दोबारा, ये यहां से बात को सुनना चाहती है दोबारा, सुन करके उसके बाद में फिर किसी टिप्पणी या निष्कर्ष पे दोनों लोग पहुंचते हैं, तभी इन दोनों लोगों की आपस में निपटती। तो बेसिकली रुबीना जी गलत बोलती है। रुबीना जी ये कहती हैं कि जो लोग खुद अपनी जिंदगी में सक्षम नहीं होते, खुद में क्वालिटीज नहीं होती है, वो दूसरों के अंदर प्रॉब्लम सुपीरियरिटी या अच्छाई देख करके उनके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सोचते हैं और उनके अंदर गलत सोचते हैं। सो बेसिकली दो एक जैसे दिखने वाले लोग शायद एक दूसरे के अंदर से गलतियां बहुत बेहतरीन तरीके से निकाल लेते हैं, इसीलिए आप लोग एक दूसरे को बार बार डीकोड करने की कोशिश कर रहे होते हो। जैसे कि कल उसने बोला मैं कांटों की रास्ते बनाऊंगा रुबीना दिलैक के लिए और मैं इनके लिए तकलीफ खड़ी करूंगा, रुबीना जी ने आज भी की, इसने हमारे राहुल वैद्या ने भी की। राहुल वैद्या ने बोला तुझे पता है अर्शी खान कि तेरे कपड़ों को बंद करने वाला आइडिया किसका था, मोहतरमा का था, और वो उसके लिए कह रही है अरे यार तुम गजब हो, कल तक जिसको अपना दोस्त मानते थे आज उसके लिए उल्टा सीधा बोल रहे हो। तो बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के रास्ते पे कांटे डाल रहे हैं। अली राखी से लड़ लिया, बाकी के सारे लोग राखी से लड़ लिए और राखी को अलग अलग बातों पर तंग करने चल लिए। सोनाली फोगाट से झगड़ा नहीं हो रहा किसी का भी, यानी स्पेशली कल निकी तंबोली का हुआ, कोई फुटेज, कोई प्रिविलेज, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं, ठीक है हो गया हो गया, झगड़ा हमारा क्या मतलब, लेकिन अगर अली का हो गया तो सबका हो गया, समझ रहे आप। तभी उसने बोला तू जम्बू रहा है, इसका माउथ पीस है, अकेले में बैठ के सोनाली फोगाट के साथ कह रही थी कि इसकी अक्ल लंबू की घुटनों के अंदर है और ये तो इसके पीछे पीछे चलता है, इसको लगता है ये मुझे बचा लेगा। इजाज के लिए भी बोला, इजाज भी बोलता है अकेला खेल रहा हूँ, अकेला खेल रहा हूँ, अकेला खेल रहा हूँ, अभी टीम टीम में खेल रहा है, क्योंकि इजाज को अली पसंद है, वो अली से बात कर रहा है, इसकी भी उसको पे करनी पड़ेगी क्योंकि इजाज खान बात कम करता है। इजाज खान ने लोगों को रास्ते दिखाए, लोगों ने उसको रास्ते पर लगाने की कोशिश कर दी, ये तो भैया इस घर की रीत हो गई, आप लोग देख ही रहे हो। तो कुल मिलाकर के अभिनव भी फ्रंट फुट पर आ चुके हैं, रुबीना जी तो थी, रुबीना जी ने ये भी कह दिया एक जंबूरे को मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि कौन किसकी कठपुतली है नहीं है, शानदार। और वहीं पर वो भी शानदार, वो भी उसको जानदार जानदार डायलॉग्स बोल रहा है, कह रहा है कि मुझे आप लगती हैं बेकार, एरगेंट हैं आप, मेरे अकॉर्डिंगली आप गलत हैं, आपने पहले राहुल महाजन को बनाया था कठपुतली, अब आपने इसको बनाया कठपुतली। अरे भैया कौन किसकी कठपुतली, तुम लोग जबरदस्ती में लड़ रहे हो, थोड़े दिनों बाद अपने अपने घर चले जाओगे साड़ो, बिना किसी एजेंडा के, बिना किसी रीजन के आपस में भिड़े पड़े हो, क्योंकि तुम सब लोगों को लग रहा है कि उनको कुछ चाहिए। अच्छा सारी बात छोड़ो, झाड़ू से पिटाई होगी विकास की, दह झाड़ू लह झाड़ू दह झाड़ू, पीछे से झापटे वापटे आ रही है, दो लड़कियों ने मिलकर के जम्बा झूठ कर दिया उसका, पता नहीं कहाँ से क्या क्या खींच लिया, अगला चले अपना पैकेट बचाने में लगा क्या पक्या जय चे, पर वो बचा नहीं पाया। फाइनली निकी तब्बोली का कोई लड़ा देना, मैं लड़े हो गया, मैं लड़े नहीं हो गया। अरे भाई को इम्यूनिटी नहीं दे दी साला तुम लोगों ने, ये हमारा अभिनव ले गया, अब कम से कम ये तो देने दो। अच्छा लिपस्टिक छू करके, जिस तरह से नेल पॉलिश को छू करके राखी सावंत ने कंटेंट देने की कोशिश की ना, तुम्हारी कसम कह रहा हूँ मेरे घर में तो कोई टेंट होता तो वो टूट जाता, वो कंटेंट देने की कोशिश की है राखी सावंत ने। राखी सावंत क्लियरली कह रही है बिग बॉस देखिए इन्होंने मुझे दे दिया, मैं इसको ले रही हूँ। अरे भैया अधेड़ उम्र के इतने सारे प्यार चल रहे हैं घर के अंदर कि मैं क्या बताऊँ आपको, मैं क्या बताऊँ, क्या करूँ मैं, क्या करूँ क्या करूँ, मैं मर जाऊँ। सो दोस्तों कुछ गजल मचल इधर उधर होता हुआ, लड़ता पिटता हुआ, झगड़ता पड़ता हुआ, अली कभी बड़े गुस्से लगे हुए बद्दुआओं की वजह से, इस तरह से निकला आज का एपिसोड। देखते हैं दोस्तों कल का, देखना शायद दिलचस्प होगा। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं बनूं पंजाबी, इसी तरह से आपके साथ जुड़े रहने की कोशिश करूंगा, और आने वाले समय में आपको बिग बॉस एक और झटका लगाने वाले हैं। आया था, हुआ था, होता था, देखता है। आप अपनी मम्मी को बोलना कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और दोस्तों अगर आप भी किसी से प्यार करते हैं, प्यार का इजहार कीजिए, खुल के जीजिए, जिंदगी एक है कोरोना जैसे वायरस, जिंदगी में अगर आपके कोई दोस्त बन के भी आ रहे हैं साड़ों को बाहर निकाल दीजिए अपनी जिंदगी के अंदर से। लव यू, मैं मनु पंजाबी, आपका दोस्त, आपका होस्ट, लव यू गाइस।